उत्तराखंड के कोने कोने में चीड़ का जंगल है, जिसे पूरी तरह बेकार समझा जाता है। ना तो इसकी लकड़ी काम आती है, ना ही इसकी पत्तियां, ना ही इसकी छाल। लेकिन रानीखेत निवासी भुवन चंद्र साहा जी चीड़ की छाल यानी बकट से अद्भुत कलाकारी करते हैं। इनकी कला पहाड़ में रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकती है। तो आइए एक मुलाकात करते हैं श्री भुवन चंद्र साहा जी से। रानीखेत में हार्दिक स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दाजू, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो बकट का आपके दिमाग में विचार आया, ये कहाँ से आया? ये लगभग 80 के दशक की बात है। तब मैं आर्मी में सर्विस करता था। उसके बाद जब मैं घर आया तो क्योंकि मैं थोड़ा सा टेक्निकल काम में था, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित काम था हमारा, तो मैं आने के बाद यहाँ पर कुछ टेप रिकॉर्डर्स 2-in-1 इस तरीके की चीज़ों को बनाता था, यहाँ उनको तैयार करता था। उस समय मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि क्यों ना कुछ हट के हम एक स्पीकर तैयार करें। तो वो जो स्पीकर का बॉक्स हमने तैयार किया था वो बकेट से तैयार किया था। तो बकेट पे उस समय हमने, जैसे बकेट का नेचर होता आप देख रहे हैं, इसको इसी तरीके से लगा के बकेट से एक बॉक्स तैयार किया था। बाद में जब हम इस पर धीरे धीरे काम करने लगे, इसकी कटिंग करने लगे, तो ये बड़ा सॉफ्ट और अच्छा दिखने लगा। तो फिर धीरे धीरे इसके अंदर एक पागलपन की हद तक पहुँच कर इस पर काम किया, जिससे इसके बहुत सुंदर रिजल्ट निकले। उसके बाद सन 80 में, 80 से लेकर 90 तक हमने इस पर कार्य किया, और उस पीरियड के बाद पन्नगर यूनिवर्सिटी के अंदर हमने इसको एक्सपोज किया एक प्रदर्शनी के माध्यम से। जब पन्नगर यूनिवर्सिटी के अंदर हमने इसको एक्सपोज किया तो लोगों ने इसके बारे में काफ़ी अच्छे अपने विचार व्यक्त किए। लोगों का कहना था कि इसे रोज़गार से जोड़ने का पूरी के पूरा प्रयास किया जाए। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी कोशिश की, क्योंकि मैं खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर था, तो काफ़ी बैंक ने हमारे को इस कार्य को करने में मदद की। और धीरे धीरे हमने यहाँ की पुरानी जो अनुकृतियाँ हैं, जैसे दोराहाट के पुराने मंदिर हैं, आपके हमारे जेवरात हैं, गुलोबंद है, सूते धागुले हैं, इस तरीके की चीज़ों को बनाना आरंभ किया। और ये चीज़ों को लेकर 90 के दशक में हमने बेंगलोर के अंदर एक एग्जीबिशन लगाई। बेंगलोर में जब एग्जीबिशन लगाई तो हिंदू ने इस पर एक आर्टिकल दिया, नो प्राइज फॉर दिस लेबर ऑफ लव। तो वो काफ़ी प्रभावित हुए इस चीज़ से, और उनको ये जान के बड़ा हर्ष हुआ कि इतने पौराणिक मंदिर जो है इस एरिया के अंदर हैं। और मेरा जो मेन जो खास वजह थी उस पर काम करने की, ताकि हम ये एक प्रदर्शनी के माध्यम से हमारे क्षेत्र में दूर दराज की चीज़ों को दिखा सकें, इस विचार से मैंने इस पर काम किया। मैं डॉक्टर राम सिंह जी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर राम सिंह जी ने इसके बारे में कहा था कि ये एक अहिंसात्मक उद्योग है जिसकी मूल प्रवृत्ति पर्यावरण और रोजगार है, इन दोनों को जोड़ने का काम किया है। इसका कारण क्या है कि अगर कोई लड़का अपने गांव में बकरी चराने के लिए जा रहा है या गाय चराने के लिए जा रहा है, वो वहाँ पर उतनी देर बैठ के खाली उसको बैठने की आवश्यकता ही नहीं है। छोटे से छोटे औजार ले जाके वो वहाँ से अगर अपने घर वापस आएगा तो अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो कम से कम कुछ भी नहीं तो 40-50 चाबी के छल्ले बना के ले आएगा। तो उस ओर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया और लोगों को उस संबंध में ट्रेनिंग दी। आज ऊपर वाले की दया से काफ़ी लोगों ने इस पर काम करने लगे हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी एक समस्या यह है कि अब सब लोग अभी जुड़ नहीं पाए हैं, ये कोशिश हमारी रही है। तो धीरे धीरे इसमें फिर हमने इसको रोज़गार के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, लोगों को सिखाने की कोशिश की। आरंभ जो प्रारंभिक काल था इसका, उस समय हम अपनी सैलरी से, हमने आज तक कभी भी कोई गवर्नमेंट के किसी फंड का कोई यूज़ नहीं किया है। हमने कोशिश की है कि हम इसी से पैसा पैदा करके इसी से रोज़गार उत्पन्न करें। तो ये सबसे पहला कार्य हमारा ये था कि हम इसी से पैसा पैदा करें और इसी पैसे से इसका रोज़गार उत्पन्न करें। तो कई लोगों को
90 के जब मैं बागेश्वर था, 87 से 87 में मैं बागेश्वर चले गया था, तो बागेश्वर में मैंने काफ़ी लोगों को इस मामले में ट्रेनिंग दी और एक बार मैंने करीब 9 महिलाओं को 8-10 महीने के लिए रोज़गार में रखा। वो केवल इसी पैटर्न पे था कि उनसे बीट्स वगैरह बनवाते थे ज्वेलरी के ऊपर, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उनके घर के बच्चे खुद ही सीख गए धीरे धीरे इन चीज़ों को, वो खुद ही अपना आराम से करने लगे। तो ये इसकी प्रवृत्ति थी। अब इसमें क्या है कि लोग, सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि सब लोग कर सकते हैं। आज के दिन अगर हम यहाँ पर, ये जो उद्योग रानीखेत से निकला है, अभी देखिए हमारा दुर्भाग्य देखिए कि रानीखेत से निकला हुआ उद्योग और रानीखेत के ही अंदर पता नहीं रहता है कि इस तरीके का कार्य है। तो इसका सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे को कहीं बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं। लोगों ने कई बार हमसे कहा है कि ये तो बड़े बड़े महानगरों की चीज़ है, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हमने सबसे पहले बम्बई के बाद जो एग्जीबिशन लगाई वो मुंशियारी के ठेठ गांव डुमर के अंदर लगाई, और आपको मैंने अभी अंदर एक फोटोग्राफ के अंदर दिखाया था। पिठा मोहर करके एक चीज़ है, उनकी बहुत ट्रेडिशनल चीज़ है, आज के बच्चे मुंशियारी में भी उस चीज़ को भूल चुके हैं, तो उसको रिवाइव किया हमने। वो लकड़ी में हुआ करती थी, ऊपर मोर की तरह उसका वो होता था, अंदर जब उसको खोलते थे तो एक जगह चावल और एक जगह पिठिया रखते थे, तो उसी से टीका वगैरह लगाया जाता था उसको पकड़ के। तो वो हमने वहाँ के लिए बनाई, काफ़ी हद तक लोगों को बहुत पसंद आई। उस समय हमने एक जो है रोज़गार के लिए कोशिश की थी कि हम जो है थोड़ा चौकड़ी के अंदर, हमारे को उस समय एक शोरूम था, उस शोरूम के अंदर हमने एक लड़के को गांव से लाए थे और कोशिश करी कि लोगों को रोज़गार मिले, तो उस पैटर्न में हमने वहां काम किया था। तो काफ़ी अच्छे ढंग से वो काम भी चल रहा था, क्योंकि हमारी अपनी बंदिश थी, हम नौकरी पेशे वाले आदमी थे, तो हम बहुत ज़्यादा इस पर वो नहीं कर सकते थे, तो जितना हमसे हो सका उतना कार्य हमने करने की कोशिश की। इसमें सरकार के द्वारा कोई सहयोग अभी तक मिला है या कोई ऐसी बातचीत कहीं हुई है आपकी? सरकार के द्वारा जहाँ तक सहयोग का सवाल है, सरकार की योजनाएं इसमें कई हैं, कई तरीके के पुरस्कार इसमें मिल चुके हैं, लेकिन पुरस्कार बहुत ज़्यादा हमारा इसमें ध्येय नहीं है। हमारा जो खास मकसद है कि अगर हम एक व्यक्ति को भी इसके लिए इसमें रोज़गार दे पाएँ तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा, और भगवान की मेहरबानी है, ऊपर वाले की दया है कि हमने जो है आज के दिन एक लड़का कांस्टेंट 7 साल से हमारे पास काम करता है, और हमारे जो काम करने का तरीका वो ये है कि आपको अपना घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ पर बैठे हुए हैं वहीं पर ही काम करिए, और किस पैटर्न पर काम कराना है उसका आइडिया हम देते हैं। तो इसमें धीरे धीरे, अभी बीच में सरकार की योजना अगर कहा जाए तो हमने इसमें एक जो है स्कूल के अंदर इंटर कॉलेज मछखाली के अंदर एक ट्रेनिंग दी थी। मछखाली की जो ट्रेनिंग थी वो काफ़ी, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे काफ़ी इंटरेस्टेड थे, वो चाहते थे कि बच्चे इसमें कुछ सीखें, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम समझ नहीं सकते हैं कि वो प्रिंसिपल साहब खुद इतनी बेहतरीन चीज़ें बना के लाए हुए थे, और जो आज भी 3-4-5 लड़के उसमें से काम करने लगे, बहुत खूबसूरत काम करने लगे। तो क्योंकि ये गांव से रिलेटेड चीज़ है, इसलिए हमारी कोशिश है कि हम इंटीरियर गांव के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक्सपोजर दें, ताकि लोग इधर उधर बेकार इधर घूम के समय बर्बाद न करके एक इस तरीके की स्थिति में आएँ कि अच्छी सोच रखें, अच्छी चीज़ें पैदा करें, ये सब हमारा मकसद है। तो जो आप ये कलाकारी करते हैं इसके लिए क्या बहुत सारे औजार चाहिए, क्या क्या चीज़ इसके लिए ज़रूरत पड़ती है? इसमें शुरुआती काम में हमने इसी की कोशिश करी कि इसमें बहुत ज़्यादा औजारों की आवश्यकता ना पड़े, तो इसको इस ढंग से हमने क्या बोलते हैं हम तैयार किया कि इसमें कम से कम औजारों से हमारा काम चल सके। तो आपको मैं कुछ इसके टूल्स दिखाता हूँ। ये देखिए, सिंपल जो छोटी छोटी कीलें हैं, इन कीलों को पिटवा के हमने औजार बनाए हुए हैं। इससे क्या है कि हमारे को इकोनॉमिकली इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। हम बार बार एक चीज़ कहते हैं कि पैसे को लेके अगर हम चलेंगे कि हमारी सारी योजनाएं पैसों से ही चलेंगी, तो ये संभव नहीं है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा पैसों से ही काम करें।
कुछ हमारा अपना कर्म भी है जो हमें कर्म करना है। तो देखिए सिंपल, इसमें एक हेक्सा ब्लेड लेके अगर हम चलें किसी जंगल पर बैठे रहें, एक हेक्सा ब्लेड सिंपल हमारे पास एक हेक्सा ब्लेड है जिससे हम कटिंग करेंगे। इस तरीके की जो है हम 5-6 तरीके की टूल्स तैयार कर लेंगे। 5-6 तरीके के टूल्स तैयार करने के बाद स्क्रैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अब हमने देखा ये एक छाल है, अभी मैं आपको इसका छोटा सा एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये छाल है, अगर मान लीजिए इसकी लेयर हम निकालना चाहते हैं तो हम सिंपल तरीके से इसकी लेयर को निकाल सकते हैं। तो इसी के हिसाब से हमने इसके टूल्स बनाए। फिर आया इसमें कार्विंग वगैरह, किस तरीके से हम इसको कार्व करेंगे, कैसे कार्व करेंगे। तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना कोई सस्ता एक तरीका ढूंढा जाए, क्योंकि इसके अंदर जो है ये काफ़ी कोमल होता है, काम करने के लिए काफ़ी कोमल होता है। तो इसमें हमने क्या करा कि ये सैंड पे, जो अमरी पेपर कहते हैं सैंड पेपर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, सैंड पेपर से इसको घिस के प्लेन कर लेते हैं। उसके बाद जो है जो पुराने टाइम में फाउंटेन पेन चलती थी उनकी निब को उल्टा करके लगाया, उससे कार्विंग के काम कर स्टार्ट कर दिए। कोई स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर 4 मुख का स्क्रू ड्राइवर आता है जैसे इस तरीके का पेज के साथ आया, ये हमारा कार्विंग टूल है, इससे हम जो है इसमें डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को लेके जो आपके घर के ही अंदर उपलब्ध हों उन चीज़ों को लेके काम करने की कोशिश की। ये था हमारा तरीका काम करने का। इससे जो बच्चे इसमें सीखना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उन्हें बहुत बड़े टूल की ज़रूरत नहीं है। पहले उनका इंटरेस्ट, किस तरीके से उनको इसमें इंटरेस्ट आए, कैसे हम काम करें, ये वाली अगर सोच आ जाती है तो टूल्स हमारे अपने हिसाब से वो लोग डेवलप करते हैं। उसमें जो सहायता की ज़रूरत पड़ती है वो हम पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप समाज को इस बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके बारे में क्या आपका? सबसे पहले तो मैं यहाँ अपनी उत्तराखंड की सरकार से भी और सब लोगों से एक ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि इसकी उपयोगिता को पहचानें। जब इसकी उपयोगिता को जाना जाएगा तभी इसके ऊपर कार्य हो सकता है। ये एक विशेष तरीके का कार्य है जो लकड़ी से हटके है। ये एक फॉरेस्ट के अंदर जो गिरी हुई चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल है, और हमारे वहाँ इसका बहुत भारी फॉरेस्ट पड़ा हुआ है। गाँव के अंदर हमारे जो है इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट, इसका जो जंगल है उसको प्रोटेक्ट करने की और भावना लोगों में पैदा होगी। इसकी आपने देखे अभी तो ये थोड़ी तरीके की चीज़ें हमें अभी हमने आपको इसके प्रदर्शित की थी। हमने इसके बटन से लेके टेलीफोन, पंखे, सारी चीज़ें तैयार की हुई हैं। तो इसलिए अब इसमें कोई ऐसी वाली गुंजाइश नहीं है कि इसको कैसे बनाया जा सकता, इसमें ऐसा किया जा सकता, वैसा किया जा सकता, कुछ नहीं है। आप आइए, देखिए, इसकी उपयोगिता को समझिए। अगर समझेंगे तो ये एक उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पर चीड़ उपलब्ध है, ये एक रॉ मटेरियल बेस इंडस्ट्री तैयार हो जाएगी। आराम से इसके ऊपर काम किया जा सकता है, और अगर इसमें हमारी किसी तरीके की सहायता की आवश्यकता होगी तो हम हमेशा तत्पर हैं इसकी सहायता के लिए। लेकिन इस पर एक सोच रखनी आवश्यक है। और दूसरी, जहाँ तक सवाल है कि हमको बहुत बड़ी बड़ी मार्केट में जाने की आवश्यकता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं पूरी तरीके से इसमें आश्वस्त हूँ। क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी बाजारें हैं, हमारा खुद आप गढ़वाल की एरिया के अंदर देखेगा, अगर हम धार्मिक पर्यटन को जोड़ के काम करते हैं तो गढ़वाल का क्षेत्र हमारे पास बहुत बड़ा क्षेत्र है, कुमाऊँ का क्षेत्र हमारे पास, और अगर हम टूरिस्ट के पैटर्न पर काम करते हैं तो नैनीताल, मसूरी, काफ़ी हमारे पास अच्छी अच्छी जगह हैं जिन जगहों पर हम इस काम को फैला सकते हैं। तो सिर्फ अभी इसमें लोगों को प्रशिक्षित करने और लोगों का इस ओर जो है उनका इंटरेस्ट जागृत करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजू, आपने आज हमें समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी है। धन्यवाद।